तो दोस्तों, आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ वो बड़े बड़े यूट्यूबर्स के ऊपर बनाने वाली हूँ, क्योंकि जो हमारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं वो हम छोटे क्रिएटर्स को पागल बनाते हैं, और किस तरीके से पागल बनाते हैं आप खुद देख लीजिए। कैसे लगाना है और कैसे SEO करना है। 61,000 व्यूज गया है, तो ये होता है SEO का कमाल। SEO कैसे कर सकते हो? और अपने चैनल पे SEO किया और अपने चैनल को ग्रो करने, ये सारे रैंक केबल हैं, फुल SEO। देखा दोस्तों, ये इस तरीके से हमें बेवकूफ़ बनाते हैं कि आप YouTube पर जाकर के SEO करो। अगर आप SEO करोगे तो आपका जो चैनल है वो रैंक में आएगा, आपके जो वीडियोस है वो रैंक में आएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। मैंने अपने कई सारे वीडियोस में SEO किया हुआ है, SEO करके कई सारे टैग लगाए हैं, और वो टैग भी मैंने विदिक ऐप से लगाए थे। इसके भी इन लोगों ने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं। विदिक ऐप अपना डाउनलोड कीजिए, विदिक ऐप से आप SEO करो। SEO करोगे तो आपका जो चैनल है, जो वीडियो है, वो रैंक में आएगा। मैंने ऐसा भी ट्राई करके देखा था, बट उससे भी कोई फ़ायदा नहीं है, उससे कोई व्यूज़ नहीं आते हैं। ये सब बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। ये इस तरीके के वीडियो बना करके खुद पैसा कमाते हैं, लाखों में पैसा कमा रहे हैं, और हम छोटे जैसे क्रिएटर्स को ये लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, हमें लूटते हैं। तो आप इन लोगों की बातों में ना आएं, और आप लोग अपने दिमाग से अपना चैनल बनाएं और अपने दिमाग से अपने वीडियोस अपलोड करें, और उसका सही टाइटल आप लोग लगाएं, तब भी जाकर के आपका जो चैनल है वो ग्रो करेगा और आपके जो वीडियोस हैं उन पे व्यूज़ बढ़ेंगे। ये लोग कहते हैं कि आप लोग SEO करो, तो SEO करने से कुछ नहीं होता है, ये सब बेवकूफ़ वाली बातें हैं। जब आपका चैनल ग्रो कर जाएगा और लोगों में आएगा, तो लोग खुद आपका चैनल सर्च करने लगेंगे, जब उन्हें पसंद आने लगेगा। इन लोगों का चैनल ग्रो हो चुका है, इसलिए इन लोगों के जो वीडियोज़ हैं उनके ऊपर इनके व्यूज़ अच्छे आते हैं। अगर SEO करने से इतने ही अच्छे व्यूज़ आते हैं, हर एक वीडियो पे इनके व्यूज़ आते हैं, तो मनोज दे जैसे जो लोग हैं, इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, इनके हर एक चैनल पे सेम व्यूज़ तो नहीं आते। किसी में तो इनके मिलियंस में, तो किसी में बहुत कम इनके व्यूज़ हैं। जब ये लोग इतना SEO लगाते हैं, तो इनका सारे वीडियोस रैंक क्यों नहीं करते, कुछ ही वीडियोस रैंक क्यों करते हैं? तो आप ये जो मनोज दे जैसे बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, इनकी बातों में ना आए, और ये लोग किस तरीके से पागल बनाते हैं आप खुद देखो। आगे और भी वीडियो है, कम्प्लीट वीडियो देखें दोस्तों, आप लोग मेरा पूरा वीडियो देखो, और अगर पसंद आता है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। वो वीडियो डाला फिर भी वायरल हो गया, कैसे पता है? कैसे? YouTube पे मैंने 6 साल दिया है आज तक, 6 साल, और ये 6 साल का एक्सपीरियंस है। मुझे पता है कि YouTube को वीडियो को कैसे बनाना है, थंबनेल को कैसे क्रिएट करना है, टाइटल को कैसे लगाना है, और कैसे SEO करना है। SEO का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब दोस्तों मैं बता दूं, ये वाला जो वीडियो वायरल हुआ ना, ये वीडियो मैक्सिमम 90% व्यूज जो है ना सर्च रिजल्ट से आया, सर्च से। जैसे YouTube पे काफी लोगों ने सर्च किया हुआ इंस्टाग्राम थ्रेड्स क्या है, क्योंकि उस टाइम ट्रेंड था, तो मेरा वीडियो आ गया। फिर किसी ने सर्च किया इंस्टाग्राम थ्रेड्स पे अकाउंट कैसे बनाते, तो मेरा वीडियो आ गया। अभी मैं दिखाऊंगा कैसे आ रहा है, नंबर 1 पे मेरा ही वीडियो आपको दिखेगा पूरे ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है? तो इसको मैंने किया एक बेस्ट तरीके से SEO करता हूं। अब देखिए, आपको मैं यहां पे दिखाता हूं कि कैसे SEO काम करता है। आप लोग के वीडियोस पे व्यूज क्यों नहीं आता है, क्योंकि आप सही तरीके से SEO नहीं करते अपने वीडियोस में। यहां पर देखिए, मैंने सर्च किया YouTube चैनल कैसे बनाए, तो देखो सबसे पहले मनोज भाई का, दूसरा नंबर में स्प्रेडिंग ज्ञान का, और तीसरा नंबर में किसका वीडियो आ रहा है। आप लोग यहां पर देखो, मेरा वीडियो है, कितना दिन पहले अपलोड किया हूं, 3 वीक पहले, 261,000 व्यूज गया है। तो ये होता है SEO का कमाल। दोस्तों अगर आप अपने वीडियोस में SEO नहीं करेंगे, तो फिर आपका वीडियो वायरल कहां से होगा, कहां से व्यूज आएगा? और 99% यूट्यूबर अपने वीडियोस पर सही तरीके से SEO नहीं कर पाता, जिसके कारण उसका वीडियो लाख लोगों के पास, और क्लिक कितने ने करा, 30 लाख लोगों ने। अब यहां पे ध्यान से देखो, 30 लाख में से 27 लाख लोगों ने यूट्यूब सर्च से देखा है। YouTube पर किसी ने सर्च किया तो 27 लाख लोगों ने YouTube सर्च से देखा है। ये कैसे पॉसिबल है? YouTube SEO के थ्रू। आप SEO कैसे कर सकते हो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। लिटरली आपकी वीडियो करोड़ों लोगों के पास तभी जाती है जब आपकी वीडियो का SEO होता है। 30-30 लाख लोग आपकी वीडियो को तभी देखते हैं जब आपकी वीडियो का SEO अच्छे से होता है। मेरी इस वाली वीडियो पर 72 लाख व्यूज हैं, और आप खुद देख सकते हो करोड़ों लोगों के पास YouTube ने ये वीडियो भेजा है। एक 40 मिनट का कंप्लीट SEO का वीडियो बनाया था, और उस पर बहुत प्यार मिला आप लोगों का। 1 मिलियन से ज्यादा लोगों ने उसे देख कर सीखा और अपने चैनल पे SEO किया, और अपने चैनल को ग्रो करने भी उनको काफी बेनिफिट मिला। ये जो वीडियो है, ये मैंने कैसे SEO किया हुआ है, कैसे ये YouTube सर्च में आई है, और कैसे मैं इससे अच्छा खासा अर्निंग कर रहा हूँ, आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। देखिए यहाँ पर ये मेरा वीडियो हर जगह रैंक कर रहा है, रैंकिंग पोजिशन देखिए, कैसे भी करके YouTube पे Facebook पे से पैसे कैसे कमाए, 2022 टॉप में YouTube पे से कैसे कमाए, सेकंड पोजीशन पे, ऐसे देखिए चौथी, तीसरी, ये जितने भी टैग मैंने लगाए यहां पर, ये सारे रैंकेबल हैं, फुल SEO किया हुआ है, 100% SEO है। और तभी देखा दोस्तों, ये लोग किस तरह से हमें पागल बनाते हैं। हम छोटे क्रिएटर्स को ये लोग आगे ही नहीं बढ़ना देना चाहते, बल्कि हम छोटे क्रिएटर्स के
थ्रू ही ये लोग अपना जो वीडियोस हैं इन पे अपने व्यूज बढ़ाते हैं, हमें बेवकूफ बना करके और अपना सिर्फ पैसा बना रहे हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि आप लोग अपना दिमाग लगाओ, इन बड़े यूट्यूबर्स की बातों में मत आओ, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग किसी ना किसी इनमें से बड़े यूट्यूबर्स का वीडियो ज़रूर देखते होंगे, उन्हें फॉलो करते होंगे और सोचते होंगे कि हमारे भी इस तरीके से व्यूज़ बढ़ेंगे। बट ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने व्यूज़ खुद अपने अच्छे वीडियोज़ बना करके ही और उन पर सही टाइटल लिख कर ही उन पर व्यूज़ बढ़ा सकते हैं। तो इनकी बातों में ना आकर आप लोग अपना ही दिमाग लगाएं और हो सके तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।